पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। नगर निगम चुनाव की सरगर्मी के बीच शाहजहांपुर के प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। दूसरी ओर सेंट्रल न्यूज की टीम ने कात नगर पंचायत में मतदाताओं की नस टटोलने की कोशिश की। तो आइए देखते हैं आज की चुनावी हलचल। बीएसपी की मेयर पद की प्रत्याशी सगुप्ता अंजुम के समर्थन में बसपा महानगर अध्यक्ष राशिद कुरैशी ने शाहजहांपुर महानगर क्षेत्र के रोजा की चर्च कॉलोनी सहित कई स्थानों पर तूफानी दौरा कर मतदाताओं से वोट देने की अपील की। इस दौरान उनके साथ समर्थकों की भारी भीड़ थी। बसपा नेता राशिद कुरैशी जहां भी गए, लोगों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया तथा भारी मतों से उनके प्रत्याशी को विजयी बनाने का आश्वासन दिया। जीतेगा भाई, जीतेगा। इस समय शाहजहांपुर के नगर पंचायत कांठ में हम खड़े हैं। नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और काफी मतदाता अपने अपने मनपसंद के प्रत्याशियों को चुनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एक मन बना रहे हैं। जब पहले ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत के बाद जब नगर पंचायत हुई, तो आज उन शख्स की पत्नी जिस व्यक्ति ने 25 साल तक प्रधानी की है, उस शख्स की पत्नी आज यहां से चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ रही हैं। और ख़ास बात यह है कि बीच में उनके बेटे रईस मियाँ भी चेयरमैन यहाँ से निर्वाचित हुए थे और एक विकास की गंगा बही थी। इसी बीच में चुनाव का मौका आ गया। अब देखते हैं कि यहाँ जनता खड़ी है, हम पूछते हैं कि इन लोगों का क्या मन है, क्या बदलाव चाहते हैं या दोबारा उन्हीं को लाना चाहते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अजीम अहमद। अजीम जी, बताइए कि इससे पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी चेयरमैन थी, अब दोबारा आप लोग उनको लाना चाहते हैं, उनके परिवार को, क्योंकि वो मरहूम हो गई हैं, तो क्या आप दूसरे व्यक्ति को, किसी को लाना चाहते हैं या उसी परिवार को आप मौका देंगे? पिछले 5 साल जनता के लिए बहुत निराशाजनक गुजरे हैं। जो उम्मीदें थीं वो उम्मीदों पे विपरीत, जो नगर पंचायत की जनता ने उनसे उम्मीदें की थीं वो बिल्कुल उस पे खरा नहीं उतरे हैं। जनता के साथ धोखा किया है, उस धोखे में ला के जनता को कुर्सी हथिया ली है। जनता एक बार फिर पूरा मुंड बना चुकी है। नगर की एक एक जनता चाह रही है, जन जन की यही पुकार है, रईस मियाँ आपकी बार हैं। आने वाला वक्त रईस मियाँ का है, ये सभी जानते हैं, पूरा ज़िला जानता है कि रईस मियाँ ने अपने कार्यकाल में कितना विकास किया है। ये एक बात बताइए कि इदरीस खां यहाँ पहले खुद भी चेयरमैन रहे, उनकी वाइफ भी चेयरमैन रही, तो उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ और क्या वास्तव में उन्होंने कुछ विकास किया? आप बताइए, आपका क्या सुनना है? लईक अहमद। हाँ लईक साहब, आप बताइए कि मतलब यहाँ इदरीस खां खुद चेयरमैन रहे, फिर उनकी वाइफ चेयरमैन रही और शायद इदरीस खां मेरे ख्याल से यहाँ तक 2 बार चेयरमैन रहे होंगे, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब उनके टाइम पे इतना लंबा टाइम उनको मिला, उसमें क्या कुछ विकास हुआ यहाँ पे? जनता ने उनको बार बार टाइम दिया जी, और उसका कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उनको लोग चुनते रहे। लेकिन एक बार बीच में रईस मियाँ चेयरमैन बने, और रईस मियाँ की पहचान सिर्फ रईस मियाँ के नाम से नहीं है, रईस मियाँ की पहचान एक विकास पुरुष के नाम से है। और आज पूरे नगर पंचायत कांट की जनता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी जाति धर्म का हो, हमारा चुनाव इंसानियत का चुनाव है। हमारे रईस मियाँ के साथ आज पूरी कांट दोबारा से रईस मियाँ को चुनाव यहाँ का चेयरमैन देखना चाहती है, क्योंकि जो पीछे 5 साल के गुजरे हैं वो बहुत ही निराशाजनक हैं। उन्होंने जिस तरीके की राजनीति की, विकास को पहिया जो हमारे यहाँ कांट में चल रहा था वो रुक गया। इस मैंने भी पिछली बार उन्हीं इदरीस खां को चुनाव लड़ाया था, इस आशा के साथ कि ये शायद अब
उनके बच्चे जवान हो गए हैं और उन्होंने काम नहीं किया। चलिए उनके बच्चों को देखकर हम लोगों ने उनको दोबारा चेयरमैन का मौका दिया कि हो सकता है इनके बच्चे एक यंग हैं, नए लोग हैं, ये काम करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके बच्चे उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे निकले और उन्होंने किसी प्रकार का ना तो जनता का किसी सुख दुख में शरीक हुए, ना जनता का विकास की ओर ध्यान दिया गया। इसीलिए यहाँ की कांट की जनता ने, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग हों, आप मीडिया वाले हैं, आप पूरी कांट में कहीं भी आप सर्वे कर लें, मैं नहीं कहता कि फलां गली में आप जाइए, मैं नहीं कहता कि फलां मोहल्ले में जाइए, वो आप कांट के किसी भी मोहल्ले में जाएंगे, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, किसी जात के लोग हों, एक ही नाम आता है रईस मियां, क्योंकि पूरी कांट के अंदर एक एक खंभा जो लगा है वो रईस मियां की देन है। आगे तो बड़ा निराशा हुई, क्या मैंने पिछली बार जो फैसला लिया था बहुत गलत फैसला, मतलब आपका कहना का ये है कि आपका मोह भंग हो गया है इदरीस मियां के परिवार से? एक इदरीस खां का, मेरा नहीं, पूरी कांट का मोह भंग हो गया है। आज 80% जनता कांट के साथ है। जो तो हम लोग, जो जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये हम लोग अपने आप चले आए। अभी शाम को हमारा एक कार्यक्रम लगा हुआ है, वहाँ आप देखिए शाम को कितनी भीड़ होती है। हर धर्म के लोग, आज भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी है, लेकिन ये बात मैं पूछने वाला था आपसे, आपने बीच में ले आए कि जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई फैक्टर चल रहा है कि धर्म के नाम पर लोग विभाजित हो रहे हो, या मतलब जो है या विकास के नाम पर लोग जा रहे हैं? देखिए ऐसा है, यहाँ भारतीय, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ ना किसी पार्टी से चुनाव है, एक तरफा रईस मियाँ हैं, रईस मियाँ को हर धर्म के लोग पसंद कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम तो कभी चला ही नहीं, हम लोग हमेशा साथ साथ चले हैं और आने वाला दिन भी हम साथ साथ रहेंगे। यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की देख लेना आप, जमानत जब्त होगी। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है 25 साल में, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, जितना हुआ सब 5 साल में हुआ, इसलिए पूरे नगर की जनता रईस मियाँ के साथ है, सब लोग रईस मियाँ को वोट देना चाहते हैं, एक तरफा चुनाव है। आप कहीं भी सर्वे करिए, पूरे नगर से एक ही आवाज़ निकल रही है, ओनली रईस मियाँ। इस साल का जंगल राज है, एक तरफ 5 साल का बेमिसाल कार्यकाल है और एक तरफ 25 साल का जंगल राज है, जिसमें सिर्फ झूठ है, धोखे हैं, फरेब है, जालसाजी है। और ये बताइए कि इनके पिताजी जो हैं रईस मियाँ के पिताजी भी प्रधान रहे हैं, बता रहे हैं कि 25 साल तक उन्होंने काम किया है, लोग मतलब काफ़ी उनसे प्रभावित है। यस, हाँ, उनका भी एक वर्चस्व रहा, उनका नगर में इससे पहले ग्राम पंचायत थी नवासी में, ये मतलब गठन होकर नगर पंचायत बनी, उससे पहले लगातार 40 साल प्रधान रहे, 5-4 बार निर्विरोध प्रधान चुने गए, उन्हीं की ये संतान हैं, उन्हीं के बेटे हैं जो आके इस नगर पंचायत को पुनः इन्होंने चमकाया है। उनके बनवाए रोड 25-40 साल पहले बनवाए रोड उन्होंने खुद, जब चेयरमैन रईस मियां उनके बेटे बने तो उन्होंने उस रोड को बनवाए हैं। आपको क्या लग रहा है कि मतलब जो है आप संतुष्ट हैं? आप पहले एक बार धोखा खा चुके हैं, बता रहे हैं कि आप इदरीस खां को आपने चुनाव लड़ाया, उन्होंने कोई मतलब जो है ऐसा कार्य नहीं किया, तो आपका मोह भंग हुआ उधर से। आपको लग रहा है कि अब आप इनकी मदद कर रहे हैं रईस मियां की, तो ये मतलब जो है विकास करेंगे या जनता के निगाहों में खड़े उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। जो पिछली बार मात्र 123 वोटों से चुनाव हारे थे, मात्र 123 वोट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, 123 वोट की जो वो जीते हैं, 400 वोट तो मैंने अकेले ही उनको दे दिए हैं और इंशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर जीत होगी। कोई मेरी किसी से टक्कर नहीं है, ना हम टक्कर मानकर चल रहे हैं, जनता चाह रही है कि मेरे पास आओ वोट मांग। नगर पंचायत कांट की मार्केट में इस समय हम खड़े हुए हैं और चूँकि नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, चेयरमैन पद के लिए तमाम प्रत्याशी अपना अपना भाग आजमा रहे हैं, जनता किसको चेयरमैन बनाएगी, किसके सर पर ताज पहनाएगी, ये जनता के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ के मतदाताओं से आइए जानते हैं कि क्या रुझान है उनका। आप बताइए, क्या सुनना है आपका? क्या बता, कौन जीते अभी तो कोई निर्णय है नहीं, तो आप बताइए कि किसको आप अपना वोट देंगे? रईस मियां को। तो रईस कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी को देंगे? तो ये बताइए कांग्रेस को ही आप अपना वोट क्यों देंगे और किसी पार्टी को? अच्छा, पार्टी है कांग्रेस, गरीबी खत्म करेगी। अच्छा, रईस मियां एक बार चेयरमैन रह चुके हैं, तो उस समय उनका कार्यकाल कैसा था? बढ़िया था, बढ़िया था। और इस समय अभी जो इससे पहले चेयरमैन रहे हैं इदरीस खां, उनमें और इनमें क्या अंतर है? वो भी बढ़िया है, यही बढ़िया काम, दोनों बढ़िया करते हैं। तो लेकिन आप अपना वोट जो है रईस मियां, रईस मियां को देंगे? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी को देंगे? रईस मियां कहाँ यार। अच्छा, कांग्रेस को क्यों देंगे, समाजवाद सपा को क्यों नहीं देंगे? नहीं, हमें अच्छे को बुराई नहीं की जीत है, हमें जितना अच्छा है उसी देंगे। अच्छा, कांग्रेस है आपको अच्छा ये? हाँ अच्छा ही है। रईस मियां को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं खूब। अच्छा, तो वो मतलब जो है आपका काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, कराओ नहीं करेंगे। अच्छा, उम्मीद है आपको पूरी? उम्मीद है, मालिक की उम्मीद है।
चुनावी हलचल के बीच नगर पंचायत कांट के इरफान चौराहे पर हम आ गए हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इनको कैसा चेयरमैन चाहिए और किसको अपना प्रत्याशी मान करके किसको विजयश्री देंगे, किसके सर पे ताज सजाएंगे। ये यहाँ की मतदाताओं के हाथ में है कि किसको वो चेयरमैन की कुर्सी पे बैठा लेंगे और किसको नीचे उतारेंगे। तो आइए हम पहले जानते हैं, यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका बताइए? सियाराम जी, आपका नाम सियाराम है। तो ये बताइए, नाम भी आपको बहुत अच्छा है, तो ये बताइए कि यहाँ पे चुनाव हो रहा है चेयरमैन के लिए, आप किसको पसंद कर रहे हैं? अभी किसी चेयरमैन चाहते हैं? कमल का फूल वो चाहते हैं। चलिए, तो मतलब आपको उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो काम करेंगे? आप उनको जानते हैं? जो बीजेपी से हैं जानते नहीं, लेकिन आप बीजेपी ही देंगे? चलिए ठीक है, आप बताइए। बीजेपी के चेयरमैन चाहिए, तो आपको पूरी उम्मीद है कि जो चेयरमैन के लिए भारतीय जनता पार्टी से है उनको आप जानते हैं? अच्छा, जानते नहीं, लेकिन फिर भी आप वोट उनको देंगे? आपको उम्मीद है कि अगर वो जनता के निगाह में खड़े उतरेंगे और वो विकास करेंगे? आप कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं, तो आपको क्या लग रहा है जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो पहले भी एक बार चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने सही काम किया था? उम्मीद है कि अब दोबारा सही काम करेंगे? अच्छा, तो मतलब आप कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देंगे, आपको मतलब उनके काम से संतुष्ट हैं? आप बताइए, जो इस समय चेयरमैन है उनका आप उनके काम से संतुष्ट हैं? गिरे वक्त पे काम आ जाए वही बढ़िया। अच्छा, आगे गिरे वक्त पे काम आए, तो ये अच्छी बात। तो मतलब जो है, हाँ, एक व्यक्ति कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, दूसरा कह रहा है कि हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे, क्यों जी? यही तो कहना है। तो आगे चलते हैं चुनावी हलचल के लिए, हम लोग देखते हैं कि यहाँ की जनता का क्या मन है और किसके सर पे ताज सजाने के लिए जनता तैयार है। इस समय नगर पंचायत कांट के सैयदवाड़ा मोहल्ले में हम हैं, यहाँ पर जनता का क्या रुझान है और चेयरमैन का ताज किसके सर पर पहनाएंगे, साथ ही किस प्रकार का चेयरमैन चाहिए, ये हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। आप बताइए, आपको कैसा चेयरमैन चाहिए? रईस मियाँ। अच्छा, रईस मियाँ ही क्यों चाहिए? सपा के कैंडिडेट हैं जो कि पहले चेयरमैन रहे हैं, रईस मियाँ ही क्यों चाहिए? बेहतर है, काम बढ़िया करते हैं, मतलब इसलिए इंसान। आप 5 साल उन्होंने काम किया है, पहले एक बार चेयरमैन रहे हैं, तो आप उनके काम से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। आप ये बताओ खाली कि चेयरमैन आपको कैसा चाहिए? बेहतर चेयरमैन होना चाहिए, नगर का विकास करें। तो इससे पहले मतलब जो चेयरमैन अभी रहे हैं उनके द्वारा भी काम किया गया है, उनके विषय में आपका क्या कहना है? जो भी चेयरमैन रहे हैं काम तो सभी ने किया है, लेकिन इस बार जनता का देखिए किधर वोट देती है, सब किसको चेयरमैन अपना बनाती है। तो लोग यह कह रहे हैं कि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने विकास किया हो, और आप बताएं, आप कुछ बताएंगे कि आपको कैसा चेयरमैन चाहिए नगर पंचायत कांट के लिए? चेयरमैन हमें ऐसा चाहिए, हमारे कांट के लिए अच्छा काम करे, हम लोग काम में आए, हम लोगों की मदद करे। तो ये बताइए कि आपका अपना मत किधर जाएगा? हमारा मत तो उधर जाएगा जो विकास कराएगा। किसको, किससे आपको विकास की उम्मीद है? विकास तो देखिए, विकास तो सभी कराएंगे, ऐसी तो बात ही नहीं है, जिधर जनता होगी उधर हम भी चलेंगे। ज़्यादा विकास किधर के दिया? नहीं, जनता नहीं, आपका मत क्या है? हमारा मत रईस मियाँ। रईस मियाँ, रईस मियाँ के लिए है? अच्छा, तो रईस मियाँ के लिए ही क्यों आए? और भी प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से हैं ना। रईस मियाँ जो है हर टाइम हमारे काम में आते हैं, जब भी हम उनके घर पे जाते हैं तुरंत आके बैठ जाते हैं हमारे सामने।
आपसे मुलाकात हो जाती है, आप मिलने जाते हैं मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो अंदर रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, जब भी फोन करें फोन पे आ जाते हैं तुरंत। अच्छा। और क्या, तो इसीलिए रईस मियां बढ़िया है। अच्छा, जब वो पहले चेयरमैन रहे हैं उस टाइम पे मतलब वो आपकी बात सुनते थे तो सुना? हाँ बिल्कुल सुना, जब तो उन्हें वोट देंगे। ये इदरीस खान के परिवार से उनकी पत्नी चेयरमैन रही हैं सपा से, मरूम हो गई, अब मतलब जो है उनकी बहू खड़ी है, तो उनके विषय में क्या, आप कभी उनसे मिले हैं? नहीं, हम उनसे कभी नहीं मिले। उनसे उनका जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? उनका कोई कार्यकाल नहीं रहा, बेकार है। उनका काम ठीक नहीं रहा? उन्होंने कुछ किया ही नहीं पाँच साल में, घर बैठे रहे खाली। पाँच साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। मतदाता बड़ा समझदार है और वो अपने मन की बात को सामने नहीं लाना चाहता है, तो अभी भी हम इनसे पूछते हैं, भैया आपको कैसा चेयरमैन चाहिए? चेयरमैन सब बढ़िया हैं भैया, हमारे सब बढ़िया हैं। तो ये बताइए कि आप चाहते हैं कैसा आदमी है? हम ये नहीं कह रहे हैं कौन अच्छा कौन खराब, हम ये पूछ रहे हैं कैसा व्यक्ति चाहिए, चेयरमैन कैसा होना चाहिए? चेयरमैन जो है इदरीस खान भी सही है, रईस मियां भी सही है। तो दोनों को वोट देंगे आप? जी ये दोनों को वोट देंगे। क्या शुभ नाम है आपका? इरफान। अच्छा इरफान साहब, आप बताइए कि यहाँ पे क्या पिछले जो पाँच साल नगर पंचायत के रहे, क्या विकास का काम सही हुआ है? सही हुआ है। अच्छा, आप उनसे संतुष्ट हैं? इदरीस खां के परिवार से इदरीस खां भी चेयरमैन रहे हैं, फिर उनकी पत्नी चेयरमैन नहीं, अब उनकी बहू खड़ी है, हमें किसी से कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, अब आपका क्या मत है? यहाँ से हुआ ना इदरीस मियां से। अच्छा, हमारे लिए सब भले। अब आप बताइए किसको अपना वोट देंगे? जिसे जिधर जिसकी लहर देखेंगे उसी को, लहर को देख कर देंगे, आदमी देख कर नहीं देंगे, कौन सही है कौन खराब है वो उसी में मालूम हो जाएगा, जो जीत रहा होगा उसी को जिता देंगे। तो इनका कहना है कि जो जीत रहा होगा हम उसी को जिता देंगे। इरफान भाई का ये भी कहना है कि सभी ने काम किया है और सब अच्छे हैं। तो आइए इसी के साथ आगे किसी मोहल्ले में चलते हैं और वहाँ की जनता से हम मिलते हैं। नगर पंचायत कांठ में भ्रमण करते करते हम यहाँ इस समय आ गए हैं मोहल्ला तकिया में, और यहाँ भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, हम देखते हैं कि किसके सर पर चेयरमैन का ताज पहनाने की कोशिश यहाँ की जनता करेगी, जनता का क्या रुझान है ये हम देखते हैं, किस प्रकार का इनको चेयरमैन चाहिए, किन मुद्दों पर ये अपना वोट देंगे। आइए हम यहाँ पर पूछते हैं, एक भाई साहब हमारे पास खड़े हैं। भाई साहब क्या सुन नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर अहमद है। जुबैर अहमद जी, आपके यहाँ से लगभग सभी पार्टियों के प्रत्याशी खड़े हैं, कुछ निर्दलीय भी खड़े हैं, तो आप बताइए कि आपको चेयरमैन कैसा चाहिए? विकास वाला चेयरमैन चाहिए। विकास वाला चाहिए। अच्छा ये बताइए, इससे पहले मतलब जो चेयरमैन थे उनके द्वारा विकास किया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई विकास ही नहीं, पाँच साल में कोई विकास ही नहीं, किसी तरीके कोई विकास नहीं, पाँच साल में कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास ही नहीं। देखो आप भी गलियां घूम कर देखो, कहीं दिख रहे हैं आपको विकास? तो इस समय, इससे पहले जो चेयरमैन थे जो रईस मियां, उनके विषय में आपका क्या कहना? उनके टाइम बहुत काम हुआ है, उनके टाइम पे काम, जितने भी बिजली का काम, लाइट का काम, खरंजने का काम सब रईस मियां ने कराया। आपको क्या उम्मीद है इस बार भी? उनकी माँ खड़ी है रईस मियां की, मुनारा बेगम खड़ी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि 100% विजय, आप अपना मत देंगे उनको? बिल्कुल। तो ये बताइए कि वैसे यहाँ पे बीएसपी के भी कैंडिडेट हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सपा के भी हैं, और मुस्लिम मतदाता जो है समाजवादी पार्टी के साथ ज़्यादातर जुड़ा रहा है, तो जो आपके इदरीस खां हैं उनकी बहू खड़ी है, वो समाजवादी पार्टी से खड़ी है, उनको आप क्यों नहीं वोट देना चाहेंगे? जनता के विकास ही नहीं कराया, वोट कौन दे देगा? जब विकास ही नहीं कराया है और क्या, जब विकास ही नहीं कराया तो वोट, हम तो विकास पे वोट देते हैं। मतलब आप पार्टी को देख करके नहीं दे रहे हैं वोट? आप विकास पे, काम के आधार पे, काम के आधार पे, हमारा नहीं, हमारे भाई बहन गरीब बहुत हैं, आतंक के पद आतंक सबके एक आदमी पढ़ा है यहाँ, तो उसका काम होना चाहिए, वो काम नहीं हुआ है। चलिए आपसे पूछते हैं, आप बताइए आप विकास के नाम पर वोट देंगे या पार्टी के नाम पर देंगे? विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं और देते रहे हैं, देते रहे हैं जी। जो अच्छा। जो पिछली साल रईस मतलब ये इदरीस चेयरमैन रहे, इन्होंने 2 रुपए का कहीं काम नहीं किया है, पूरी बस्ती में देख लो, जो रईस मियां ने उससे पिछले पंचवर्षीय में जो सजाई थी कांट को, वो इन्होंने उजाड़ दिया उसको बिल्कुल, जो गुलजार करी थी वो उजड़ गई है, जो जहाँ पे बल्ब टूट गया वो दोबारा लगा नहीं, जो लाइट टूट गई वो दोबारा वहाँ से लगी नहीं, मतलब कोई काम नहीं हुआ है। नहीं तो पैसा तो विकास के लिए आता था तो नगर पंचायत में, तो उसको तो कहीं खर्च किया होगा, तो खा लिया। अब इसको ये खंजर देख रहे हैं आप, बिल्कुल कंप्लीट था,
उसको तोड़ के बना के फिर से बनाया गया, मतलब उसको रिपेयर कर दिया और रुपया निकल गया, मतलब ऐसे बीसीओ खड़ंजे निकल गए, कानून बन गए, सही बिल्कुल कंप्लीट था, बिल्कुल सही, और इसको खाली रिपेयर करके पैसा निकाल लिया गया। तो मतलब जो सही रोड को तोड़ करके बनाया गया उसका पैसा निकाला गया, ऐसा भी हुआ बिल्कुल। आप बताइए आप किसके पक्ष में अपना वोट देंगे? रईस मियां। रईस मियां के पक्ष में क्यों देंगे, समाजवादी पार्टी के फेवर में क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं फेवर करेंगे, रईस मियां आदमी बढ़िया है, हम विकास भी करा 5 साल में, उन्होंने लाइनियाँ निजरी खिंचवाई नगर पंचायत के लिए, कांट के लिए, और लाइटों की व्यवस्था करी, घर घर लाइट पहुँचाई उन्होंने, और रोड भी बनवाए, राशन कार्ड भी बनवाए। तो इससे पहले जो अभी जो चेयरमैन थे इदरीस खां की पत्नी थी, तो उस टाइम पे इदरीस खां के टाइम पे मतलब विकास नहीं हुआ? नहीं, 30 साल तो कुछ हुआ ही नहीं, सिंबल लेते हैं बस बैठ गए, चेयरमैन हो गए। शाहजहांपुर में नगर निगम की मेयर पद की प्रत्याशी भाजपा की अर्चना वर्मा ने आज मोहल्ला सिंजय दिलावरगंज अकब मस्जिद कांच का भ्रमण किया, क्षेत्रवासियों ने नारे लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया। अर्चना वर्मा ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं हर समय नगरवासियों की सेवा के लिए उपस्थित रहूंगी। इस दौरान उन भाजपा के कार्यकर्ता लगातार उनके साथ नारेबाजी करते हुए मतदान करने की अपील करते रहे।